पुरुषोत्तम मास में ब्रज की 84 कोस परिक्रमा किए जाने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर स्थानीय सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के द्वारा लगातार ब्रज मंडल की 84 कोस परिक्रमा लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया जा रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं की सेवा कर स्थानीय लोग भी पुण्य अर्जित करने में जुटे हुए हैं। इसी श्रृंखला में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में ऊंचा गांव में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी महेश चंद्र गोल्डी भैया के द्वारा श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों की सेवा कर पुण्य कमाया जा रहा है। महेश चंद्र गोल्डी भैया के द्वारा परिक्रमा मार्ग में केला पेठा और पानी का भंडारा लगाकर श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों की सेवा की जा रही है। गोल्डी भैया के द्वारा परिक्रमा मार्ग में की जा रही सेवा को देखकर श्रद्धालु भी गोल्डी भैया को आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार को कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, ये भी प्रतिनिधि हैं जो जनता के, इनकी बहुत बड़ी सेवा, इतनी सेवा है तो सरकार से ज्यादा समाज से भी यहाँ सेवा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा है और वेरी बेस्ट सेवा। तो कहते हैं जो सरकार कहती है उसकी करनी और कथनी में यहाँ बहुत बड़ा नहीं किया, कुछ कुछ नहीं किया है। तो ये श्रद्धालुओं की कह सकते हैं भावनाओं को यहाँ ठेस पहुँचाई जा रही है। व्यवस्था नहीं, जैसे जगह जगह बाथरूम बने होते, लैट्रिन बनी होती, रैन बसेरा होता, ये तो गांव वालों के वजह से बेचारे परिक्रमा कर रहे हैं। गांव वाले, हर गांव वाला अपने घर में इनको रैन बसेरा दे रहा है। पानी की व्यवस्था प्लस खाने की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था दिखी आपको यहाँ? कोई भी नहीं, इतनी बड़ी, मैंने कोई भी गाड़ी घूमती दिखी, पुलिस की कोई गाड़ी नहीं दिखी आपको? कोई नहीं, एक थोड़ा मथुरा में तो थोड़ा सा आउटलाइन कर रहे थे, लेकिन कहीं भी नहीं, गांव में मैंने तो पुलिस वाले नहीं देखा। पानी लो, पानी आए, ये जल्दी से जल्दी ये काम तो कराना चाहिए, धर्म का है। एक साइड में ये आप कहते भाई हिंदू धर्म में हम ये करेंगे वो करेंगे, जब तुमने ब्रिज पर कम्मा के लिए आज तक वो नहीं करी सुंदर, और कभी भी कोई टाइम आता है भाई मुसलमानों के रोज इनका टाइम आता है तो बिजली 24 घंटे की होती है। तो हमारे तो ये बहुत बड़ा धर्म है ब्रिज पर कम्मा जो है, इस ब्रिज पर कम्मा के अंदर तो बहुत अच्छा काम होना चाहिए जी। और हम राजस्थान सरकार बहुत अच्छा रोड तो देखो अभी कंप्लीट बना रहे हैं, तो राजस्थान के रोड अच्छे मिले हमें, बहुत अच्छे मिले राजस्थान रोड। देखिए ब्रज 84 की परिक्रमा 3 साल में आती है, बड़े सौभाग्यों से इन परदेशियों की सेवा करने की मौका मिलती है, देश और विदेश के। क्या क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर ये 11 दिन से पानी की प्याऊ चल रही है, जल सेवा चल रही है। आज मेरी तरफ से पूरी सब्जी का भंडारा, आज हमारे विधायक जी की तरफ से केला और यहाँ पे पेठा वितरण हो रहा है। लेकिन मैं